सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करूंगा, वरना तो हाई कोर्ट में डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, हर 14 दिन पे कैसे एक एक दिन कटेगा, एक एक घंटे कटेगा ये सोचता था। कैसे वो टाइम आएगा जब वो मैं बाहर निकल पाऊंगा, तब मेरी जज मेरी कोई बात सुनेगा। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी माँ सुप्रीम कोर्ट गई और मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जो उसने कहा कि 15 दिन में फैसला सुनाऊँ। और मैं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया 15 दिन के अंदर ही, जिसमें साफ साफ लिखा है कि MBBS करने के बाद 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 2017 में घटना हुई थी, 1 साल का जूनियर था मैं, जूनियर मोस्ट डॉक्टर, और फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा दी और उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया। और ये नहीं, इसके अलावा नहीं, द पेटिशनर एंड हिज अदर फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग द डिटेनी वर कंटिन्यूसली हरास्ड एंड विक्टिमाइज्ड बाय द स्टेट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गोरखपुर बाय सेवरल मींस। मेरे यानी कि मुझे ही नहीं पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहा। मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा शायद, वहां पे जहां पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहते हैं 500 मीटर दूरी पर। आज 3 साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्ज नहीं हुआ है। बहरहाल आते हैं हम AMU के जो लोग कहते हैं कि भाषण मैंने गलत दिया था उसके बारे में, कहते हैं कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया था, कहते हैं कि मैंने दो धर्मों के बीच, दो रिलीजन के बीच एनमिटी, हेट्रेड, वायलेंस फैलाने की कोशिश की। पूरी स्पीच लिखी है उन्होंने, पूरी स्पीच, द वर्जन ऑफ द स्पीच, पूरी स्पीच लिखी है, एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरत फैलाए। मैंने बात की थी देश की अखंडता की, यूनिटी की, सद्भावना की। मैंने बात की थी एजुकेशन की, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी की, रोड की, हाउसिंग की। मैंने बात की थी उन 70 बच्चों की जो BRD में मर गए हैं। मैंने बात की नहीं उन 8 लाख बच्चों की जो इंडिया में मर गए थे उस साल। मैंने बात की थी कि हमारे 50% बच्चे कैसे कुपोषण का शिकार हैं। मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एड्स और HIV का हब बनता जा रहा है। मैंने बात की थी कि 72% ऑफ पॉपुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर वहाँ पे है ही नहीं। आज हालत दिखाई दे रही है ना, आज कह रहे हैं हम इतना GDP खर्चा करेंगे, 1% GDP खर्चा होता था। एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बेचारे कंधे पे लाद के लेके चले जाते हैं। उसके लिए लड़ रहा था, कैंप किया, पूरा इंडिया घूमा, 103 कैंप किए, 50,000 बच्चों को देखे, मुफ्त में दवाइयाँ दी। अकेले नहीं किया, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग मेरे साथ शामिल थे, बहुत लोगों ने साथ दिया। पर हुआ क्या, उसको भी दबा दिया गया इस कोरोना टाइम के। मैं जब रियली मैं काम कर सकता था, शायद कोई नई दवा खोज सकता था कोरोना के खिलाफ, शायद कोई नई वैक्सीन खोज सकता था, टीका खोज सकता था, उस वक्त जेल में डाला। बहरहाल बाहर आ गया हूँ, कोशिश करूँगा और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूँगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले लें। 3 साल से सस्पेंड किए हुए हैं, कैसे ज़िंदगी चल रही है, कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है आपको बता नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फीस कैसे भरी गई है बता नहीं सकता। कहते हैं ना कि इस जुल्म के दौर में जुआ खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो बोलना ज़रूरी है, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी और शायद ऊपर वाले ने मुझे चुना है। बहरहाल बाहर आ गया हूँ, कोशिश करूँगा कि सबसे पहले बिहार, असम, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, बाढ़ से तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, घर डूब जाते हैं, घर टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं,
लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब बाढ़ का पानी चला जाता है। पिछली बार हम लोग केरल और असम और बिहार में हम लोगों ने बहुत काम किया था और इस बार भी काम करना चाहूँगा, क्योंकि बाढ़ का पानी बीतने के बाद बहुत सी बीमारियाँ आती हैं, महामारी आती है, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, कालरा, स्किन डिजीज़, चमड़ी की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, कान बहना बहुत होता है, उस पर काम करना चाहूँगा। कोरोना वॉरियर की तरह काम करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा, अगर योगी जी की कृपा होगी, नौकरी अगर वापस मिल गई तो किसी हॉस्पिटल से अटैच होकर रिसर्च करूँ और कोशिश करूँ कि कोई नई दवा ईजाद हो पाए जिससे हमारा देश की और किसी की मौत ना हो। बढ़ता जा रहा, हर रोज हजार लोग मर रहे हैं, एक का भी मरना बहुत खतरनाक बात है। जिसके घर में परिवार में एक मौत होती है वही वो जानता है, एक भी मौत होती है, और यहाँ तो सब 60-65 हजार लोग मर चुके हैं। उस पर काम करना चाहूँगा, और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनी पिग बन जाऊँ, मेरे ऊपर रिसर्च हो जाए, मैं खुद टीका लगवा लूँगा, अपने आप को वॉलेंटियर करूँगा मैं, ये मेरी नई योजना है। अभी कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, अभी तक मिल नहीं पाया हूँ। कल भी आप सोच लीजिए, कल 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में ऑर्डर पहुँच गया था हाईकोर्ट का, डीएम अलीगढ़ को हाईकोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक ये लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में फंसा दें। जैसे इन्होंने पिछली बार अलीगढ़ में जब मुझे गिरफ्तार किया था मुंबई से, तो जब मुझे बेल 10 फरवरी को मिल गई थी तो चार दिन तक कोर्ट के आदेश के, दो बार आदेश के बावजूद छोड़ा नहीं मुझे, इलीगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर NSA लगा दी। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मैं टेररिस्ट हूँ क्या? दाढ़ी ये जो बढ़ जाती है जेल में बढ़ जाती है। आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी में धर्म के भेदभाव में करता हूँ? 50,000 जो बच्चों को देखा, पूछा कोई कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, उस पर इल्ज़ाम लगाओगे? इल्ज़ाम वो लगाते हैं जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है, जो भरा होता है गंदगी से, वो दिमाग वो लगाते हैं।